ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंबई के ठाकुरपाड़ा में एक चौल में बने मकान का छज्जा गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि चौल में बने मकान जर्जर हो चुके हैं और कल से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश की वजह से इस जर्जर चौल में बने मकान के दीवार और स्लैब गिरने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। इस चौल में बने मकानों में एक परिवार रहता था और काफ़ी मकान खाली पड़े हुए थे, मगर हादसे के बाद शिकायत बगल के बने चौल में रहने वालों ने मनपा से किया। इन मकानों की दीवार कभी भी उनके घरों पर गिर सकती है, जिसकी वजह से एक बड़ा हादसा हो सकता है। दीवार गिरने की सूचना पर मनपा कर्मी दमकल विभाग मौके पर पहुंचकर चौल में रहने वालों का घर खाली कराया। इसके अलावा दीवार के पीछे बने 5 मकानों को भी खाली किया गया है, जिस पर दीवार गिरने का खतरा बना हुआ था। हमने कंप्लेंट किया पर कुछ काम ही नहीं किया अभी तक। हमारा घर सील कर दिया, हम कहाँ रह गए अभी। हाँ, अब इनको बोले हैं कि एक दो घंटे में आपको रिपोर्ट आएगा, अभी बताएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कब से वो एक बजे से आए फायर ब्रिगेड वाले, कुछ किया है ना काम? हम कुछ भी नहीं किया है। अब आप बताओ क्या करें हम। कितने परिवार यहाँ रहते थे? अभी यहाँ पे लगभग 1500 लोग रहते हैं। हम लोग घर में 5, इनके घर में 6, इनके घर में, उनके घर में 5, ऐसे लोग रहते हैं हम लोग। तो TMC के जो अधिकारी आए थे उन लोगों ने अभी आपको क्या बताया है? वो लोग बोले 3 घंटे में रिपोर्ट आएगा, फिर हम बताएंगे, ऐसे वैसे बोले हैं। कुछ किया तो नहीं, एक बजे से आए लोग। अब बस कितने रहा, अभी 5 बजने को आ गए। अभी आपके घर को सील कर दिया गया? हाँ, अभी हम रहेंगे तब ये बताऊंगी। बहरहाल 5 मकानों को खाली कराकर मनपा ने इसे सील कर दिया है। अब मनपा की तरफ से कहा गया है कि ऑडिट रिपोर्ट आने के बाद ही इन मकानों में परिवारों को रहने की इजाज़त दी जाएगी। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।